अबे पारक को तेल निकालने के लेने के बाद उसको गर्म पानी से धो रहे हैं। डाल थोड़ा पानी, वाह चार पांच बार गर्म पानी से उनको धोकर पानी निकाल लेना है। उनको ऐसा करो वस्त्र से सांग ले। अब उसको ये पारक को वस्त्र में डाल रहे हैं। वस्त्र में डालकर थोड़ा गर्म पानी इसमें रेड़ देंगे तो सारा अंदर से जो तेल का भाग कीचड़ कालाश है वो निकल जाएगी, क्योंकि वस्त्र में ये प्लास्टिक का नीचे डबला लिया है। उसको ज़्यादा वस्त्र बांधकर इसमें पारक जाएगा नहीं, इसमें थोड़ा गर्म पानी से धार करेंगे, हिलाते रहेंगे तो सारा कचरा अंदर नीचे चला जाएगा, पारक पारक इसमें रह जाता है। ये पारक धोने का ये बहुत बढ़िया तरीका है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा इसमें डाला थी, उसको धो डाला बस। धीरे 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 डाल, इस तरफ रखने ग्लास तो पानी अंदर दे बस।
सारा पानी निकल गया है। अब उसको बड़े वाला एक प्लास्टिक का बटर, एक ऐसा प्लास्टिक का दूसरा डबला है क्या, खोला ना। हाँ रख दे उनको एक तरफ, ठहर जा। देखो इसमें पारद कहीं एक कणी भी दिखती नहीं है। पारद धोने का बहुत बढ़िया तरीका है ये। अब उसको मैं ये छोड़ देता हूँ, ये ले। थोड़ा कण इसमें रह गया है, वो चमची से ले लेते हैं, ले ले। बस वो ले लो, बस वो है इतना ले लो, बाकी इसमें खपत देते हैं। देखो पार्क को प्लास्टिक के डब्बे में से इसमें ले लिया है, कांच के ग्लास में। अब उसको आगे की कार्यवाही हाइड्रोक्लोरिक एसिड में करनी है, जो मैं दिखाऊंगा। देखो इसमें 250 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालकर अग्नि पर रखना है, बिल्कुल मंद मंद अग्नि। डाल दें इसमें 250 ग्राम, बस 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 चलेगा। 2-5 ग्राम इधर उधर हो तो ऐसे डेंजर एसिडों में कभी ऐसा नहीं करना, वो 2-5 ग्राम चले। अब इसमें
कपड़ा घुमा दे। ये जो पारा बच्चा निकाला है अमी तेल में से, ये इसमें डाल रहे हैं। अब इसको अग्नि पर रखते हैं। इसमें से एक चमची ले लो और एक गिलास लेकर इसमें चमची से पारा इसमें डाल देना है। अभी अग्नि पर रख दिया है, ये इसमें पारा है वो इसमें डाल दे। अग्नि शुरू हो गई है, दस ही सेंटीग्रेड से गर्मी शुरू करनी है, इससे ज़्यादा नहीं, 10 सेंटीग्रेड। लेकिन पवन की दिशा देखकर आपको ये अग्नि पर रखना है, क्योंकि उनका धुआं बहुत शरीर के लिए नुकसानकारक होता है, जहरीला धुआं होता है, इसलिए धुआं से खास बचना है। और उनको कहीं बस्ती में नहीं करना, कहीं जंगल में, कहीं खेतों में ये प्रयोग करना, जहाँ बस्ती कोई जीव नहीं होना चाहिए। एसिडों से कोई भी काम लो तो बस्ती में कभी करना ही मत, नहीं तो आप बुरी तरह फंस जाओगे। कहीं भी उनको निर्जन जगह पर, निर्जन स्थान पर, जहाँ कहीं बस्ती ना होवे और कोई जीवो ना होवे, इसी तरीके से एसिडों के साथ काम लिया करो। बस्ती में कभी करो ही मत, और पवन देखकर उसको क्रिया चालू करो। उसको भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में 1 किलो एसिड जला देना है, 1 किलो एसिड जला देना है, ये याद रखना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड 250-250 ग्राम चार चार बार डालेंगे, तब 1 किलो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें जलाना है। इसी तरीके से अढ़ाई सौ ग्राम डालकर थोड़ा सा बाकी रहे, पूरा सूख नहीं जाना चाहिए, तब दूसरा 250 ग्राम इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालो, वो भी जल जाने के बाद थोड़ा सा बाकी रहे तो तीसरी बार डालो 250 ग्राम, वो भी जल जाने के बाद थोड़ा सा बाकी रहे तो चौथी बार इसमें डालो। जब पूरा 1 किलो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें जला देना है, अंदाज से 24 से 30 घंटे के आसपास समय जाएगा, अंदाज से। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐसा होता है, जो पारद को हम डमरू यंत्र में डालकर उड़ाकर फिर एकत्र करके शुद्ध करने की कोशिश करते हैं हम, कोई भी क्रिया में, पारद को शुद्ध करने की क्रिया में, वो इसलिए करते हैं कि पारद के अंदर जो भी अन्य धातु है प्रवाही रूप में, सीसा है, कलई है, कोई भी धातु हो, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड धुआं के रूप में उनको जलाकर निकाल देती है, पारद को एकदम शुद्ध, बिल्कुल कोई भी धातु का 1% भी मिश्रण इसमें रहता नहीं है, इतना पारद शुद्ध हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में पास करने से। यही कारण से मैंने शास्त्रोक्त पारद संस्कार में मैंने जो डमरू यंत्र वाली क्रिया को सेदन उड़ा दिया है, निकाल दिया है क्रिया में से, यही कारण से निकाल दिया है कि उनको
हाइड्रोक्लोरिक एसिड में पास किया जाए तो डमरू यंत्र में पारद को उड़ाने की दफा बहुत झंझट वाली होती है, वो निकल जावे, वो निकाल दिया है मैंने। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में पास करने की क्रिया के हिसाब से ही डमरू यंत्र वाली क्रिया शास्त्रोक्त तो पारद संस्कार में मैंने निकाल दिया है, यही कारण से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि मीठा का तेजाब, नमक का तेजाब, नमक का तेजाब पारद में से कोई भी धातु अन्य धातुओं को, अन्य अशुद्धियों को, अन्य दोषों को सब निकाल कर धुआं के रूप में बाहर निकाल देते हैं। इसलिए पारद के संस्कार में डमरू यंत्र करने वाली क्रिया करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पारद का आठ संस्कार हो जावे, विनिमय अनुमय संस्कार हो जावे, अनुवासन संस्कार हो जावे, इसके बाद एक बार डमरू इसी तरीके से हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एक बार पास कर दो, वालुका यंत्र में रख कर मंद अग्नि से उड़ा डालो, तो पारद बिल्कुल हमको शुद्ध मिलता है, इसमें कोई शक मत रखना। इसमें 3 बार 250-250 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालकर 2 बार उड़ गया है, तीसरी बार डाल दिया है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से डाला है, 30 सेंटीग्रेड तक गर्मी बढ़ाई है, 30 सेंटीग्रेड तक, यहाँ तक 30 सेंटीग्रेड तक गर्मी बढ़ाई है, 30 सेंटीग्रेड तक ही गर्मी रखना है, इससे आगे बढ़ाना नहीं है। 17-18 घंटा हो गया है, अब 5-6 घंटा बाकी है, 24 कलाक इसमें पकाना था, इसमें 17-18 घंटा पक गया है एसिड में, अब 4-5 घंटा बाकी है, 24 घंटा पूरा हो जाएंगे, बाद में पारद को गर्म पानी से धो डालेंगे। अभी पारद को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से पास कर दिया, अब उनको गर्म पानी से धो लेते हैं।
अब उसको ये बाल्टी में एक वस्त्र बांध दिया है, बाल्टी सीधी रहे ऐसे रख, और इसमें पारद डाल रहे हैं। इस पारद धोने के लिए सबसे अच्छा बेस्ट तरीका ये है, जिसमें अच्छा पारद की धुलाई हो जाती है। ऊपर से थोड़ा ठपका था, थोड़ा कम है इसमें अभी। डाल थोड़ा थोड़ा पानी, बहुत बेस्ट पारद इसमें धुलाई होती है, पारद नीचे जाता भी नहीं है और आराम से सब एसिड का अंदर जो भाग है वो निकल जाता है। चलो बस छोटा वाला भी कर, यहाँ इस अंदर रख बस। उसको लोहे की चम्मच, अब अडारा लोहा अडारा ही नहीं है बिल्कुल, ये याद रखना जो भी काम करना है पारद के साथ, अब वो प्लास्टिक की चमची से या तो लकड़े की सड़ी से दो से ही काम लेना है अब पारद के साथ। देखो कपड़ा में भी चोट जाता है, देखो यहाँ चिपक जाता है। पारद कोई भी बर्तन में या तो कपड़े में चिपकने लगे तो समझो वो पारद के ऊपर सही क्रिया हमने किया है। खोल दो
एक भी कण का पारद इसमें दिखता नहीं है। देखो कितने वस्त्र में बहुत बढ़िया धुलाई होती है, ये मालूम होता है। एक भी कण वस्त्र में से गिरा नहीं है। अब ये पारद के ऊपर अब नाइट्रिक एसिड की क्रिया चालू करेंगे, जो अगले पार्ट में हम दिखाते हैं।